अल्लाह का बड़ा करम भाईजान, अल्लाह का करम। मैं सऊदी अरब से बात करूं। मेरा एक दोस्त तकरीबन 2 साल पहले उसने तलाक वाकया हुआ था मुझसे, अच्छा तो अभी वो कहता है कि हम रजू करना चाहते हैं, अगर आपको इसके बारे में बता दें। क्या, कितनी तलाक दी थी? तीन 3 तलाक दी थी। ठीक है, मैं बताता हूँ जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, एक मजीद बहन ने फरमाया कि जब ये हज इन्होंने ख़त्म किया, इसके बाद अब ये गई थी दुबई से। अब इनसे ये मुझे मालूम करना याद ना रहा कि इन्होंने कौन से हज की नीयत की थी, तमत्तो किया था या इन्होंने हज इफराद किया था। मसलन अगर इन्होंने हज इफराद किया हो, यानी डायरेक्ट उम्रे का एहराम नहीं बांधा बल्कि बराह रास्त हज का एहराम बांधा है, तो फिर याद रखें इनका सवाल असल में ये था कि हम जब तवाफ वदा के लिए, तवाफ रुखसत के लिए गए, तो इतना रश था कि हरम में दाखिल होने का मौका ही ना मिला, तो हत्ता कि हमारी भी फ्लाइट का टाइम आ गया, हम वहां से चले गए, तो क्या हुक्म शरा होगा, सवाल ये था। तो मसला ये है कि अगर तो आप मुफरिद थी, मुफरिदा थी, यानी हज इफराद कर रही थी, आप दुबई से गई बराह रास्त हज का एहराम बांध कर, तो मुफरिद हाजी के ऊपर तवाफ वदा वाजिब नहीं होता है, उसके लिए फकत मुस्तहब है, तो तर्क मुस्तहब लाजिम आया, कोई मसला नहीं है। अगर बिलफर्ज आप दूसरा हज कर रही थी, तमत्तो वगैरह था, इसमें तमत्तो और मुतमत्ते और कारीन के ऊपर तवाफ वदा वाजिब होता है, लेकिन इसमें भी फुकाहा ने लिखा है कि अगर रश बहुत ज्यादा हो, इज्तिहाम कसीर हो, या बिलफर्ज अगर कोई बहन इन दिनों में पीरियड्स में हो और वो तवाफ वदा ना कर सकें, तो अगरचे ये वाजिब था लेकिन इसके तर्क पर दम वगैरह भी नहीं होगा, शरीयत ने मुआफ कर दिया है। लिहाजा आपने अगर बिलफर्ज दूसरी हजों की नियत भी की थी और सही आपके साथ उजर था कि रश की वजह से हरम में दाखिल ना हो सकी और तवाफ ना कर सकी, तब भी आप पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं है। हाँ, यह है कि तर्क वाजिब उजर की बिना पर चाहे हुआ, आप अल्लाह की बारगाह में एहतियातन तौबा कर लें, लेकिन इस पर कोई दम वगैरह नहीं होगा। और अगर आप मुफरिदा थी, आपने हज इफराद की नियत की थी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। एक ये फरमाती हैं कि हमने सुना है कि जब हम शैतान को कंकरियां मारते हैं तो वो शैतान को लगती नहीं है बल्कि एक रस्म अदा करनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल यही है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जो पत्थर बनाया हुआ है वो शैतान है और हम मारते हैं तो शैतान को जाके कंकरियां लगती हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम जब इस रस्म को अदा करते हैं तो शैतान के लिए बाईस तकलीफ जरूर बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पत्थरों में माज़ाल्लाह शैतान हुलूल कर गया और हम जो कंकरी मारते हैं वो शैतान को जाकर लगती है। असल में मामला यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह